प्राणी सुरक्षादीप ने। श्री महामती जी के धाम हृदय से खिलवत की जो रसधारा बहती है, उस रसधारा में आठों सागरों की किरण दृष्टि गोचर होती है, लेकिन उसमें प्रवेश करने से पहले एक शर्त होती है और वह शर्त इस चौपाई में मुखरित होती है। एही पट आड़े तेरे और जरा भी ना, हमारे और धनी के बीच में एक पर्दा है और उस पर्दे के सिवा और कुछ भी नहीं है। पर्दा क्या है? मैं का पर्दा। खिलवत के प्रारंभिक चार प्रकरणों में मैं को छोड़ने का प्रसंग है। संसार का बड़ा से बड़ा योगी हो, बड़ा से बड़ा विद्वान हो, बड़ा से बड़ा भक्त हो, उसके और परमात्मा के बीच में मैं का पर्दा हो जाता है। स्वयं के अस्तित्व का बोध, जब तक स्वयं के अस्तित्व का बोध समाप्त नहीं होता तब तक कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने मैं के पर्दे को दूर कर दिया है। जैसे कोई व्यक्ति इतना विनम्र हो जाए कि झुक झुक कर सबके चरण छूता फिरे, सबके चरणों में साष्टांग लौट जाता रहे और कहीं उसके मन में आ भी जाए, मुख से कहे चाहे ना कहे कि मैंने मैं खुद ही को जीत लिया है, क्योंकि मैं सबके चरणों में लौट हो जाता हूँ, मेरे अंदर तो अहंकार है ही नहीं, या कह देना कि मेरे अंदर अहंकार नहीं है, यह भी एक प्रकार का अहंकार है, क्योंकि भाव तो आ रहा है कि मैंने मैं खुद ही को जीत लिया। जीतने का अहंकार भी कहां से पैदा हो गया आपको? पहले पी तो शरबत मौत का, करते किक मुकर्रर। देखिए, मुझे पूरी तरह से जानकारी तो नहीं है कि विष को जब पिया जाता है तो कैसा लगता है। सल्फास आजकल जानते हैं कितना विषैला होता है। प्राचीन काल में जिसको फांसी दी जाती थी विष दिया जाता था, जैसे सुकरात को विष दिया गया। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, विष जब कोई पीता है तो उसको बहुत पीड़ा होती होगी, क्योंकि विष का कार्य है हृदय के रक्त को अवरुद्ध करना। जब रक्त रुकेगा तो अंदर दर्द होता, क्योंकि जो लोग आत्महत्या करते हैं किसी तरह का विषैला पदार्थ पी लेते हैं तो तड़पने लगते हैं। लेकिन वाणी एक बात कह रही है कि मौत का शरबत पियो। शरबत तो मीठा होता है, विष मीठा नहीं होता, विष हमेशा कड़वा ही होता है। अब प्रश्न यह है कि मौत का भी शरबत क्या मीठा हो सकता है? जिस मौत से हर कोई डरता है, राजी कह रहे हैं कि मौत का शरबत पियो। पहले पी तो शरबत मौत का, कर तहकीक मुकर्रर। परमधाम की यदि आप आत्मा है तो आपको मृत मौत का शरबत पीना पड़ेगा, महामती जी की आत्मा कह रही है। एक जरा जिन शक रखे, तू मेरी बात में शक मत रखो। कितनी बड़ी बात है, किसी को कहा जाए कि लो ये पियो और मर जाओ, मेरी बात में संशय मत करो। आप सोचेंगे कि कैसे व्यक्ति हैं जो मुझे मरने के लिए कह रहे हैं। आप देखेंगे जिसने मौत का शरबत पी लिया, शरबत से तुलना करने का आशय क्या है। यह विरह की घड़ी ऐसी होती है कि विरह के कष्टों को से जूझना भी पड़ता है और विरह को छोड़ा भी नहीं जाता। मीरा से पूछिए, उसको कृष्ण का विरह है। मीरा भाई कहती हैं, जो मैं जानती प्रीत की दिखो, नगर डिटूरा पीटती प्रीत न करियो कोई। महामती जी की आत्मा स्वयं भुक्त भोगी है, हफ्से में विरह में तड़प तड़प कर शरीर को हड्डियों का ढांचा बना लिया। आप सुंदर साथ हैं, यदि प्रातः काल केवल एक बार जलपान कराया जाए, जिसको आप नाश्ता कहते हैं, थोड़ा सा कराया जाए, सबको कह दिया जाए कि आधे आधे पेट ही नाश्ता मिलेगा, आपको कितना बुरा लगेगा। दोपहर का भोजन भी आधा दे दिया जाए तो भी बुरा लगेगा।
भिक्षु की अंग में श्वास भी छड़ियो संग, ये तो संबत 1703 से पहले भी मिराज कसनी कर चुके हैं, पैसे के बराबर अन्न का भोजन कर रहे हैं। उधर बुद्ध भी अन्न का एक दाना खा रहे हैं, किसके लिए? सत्य को पाने के लिए। मिराज किसके लिए ऐसा कर रहे हैं? राज्य को देखने के लिए, परम धाम को देखने के लिए। लेकिन जब तक दोनों ऐसा करते रहे तब तक इन दोनों को भी दर्शन नहीं हो पा रहा है, लक्ष्य नहीं प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि मन में भाव है कि मैं एक दाना खाता हूं। मौत का शरबत पीना सबके लिए जरूरी है, लेकिन आप इसका अर्थ बाह्य अर्थ मत लीजिए कि सल्फास की गोली खा लीजिए तो मर जाएंगे, शरीर छूट जाएगा, राज्य मिल जाएंगे। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है यदि आपने राज्य को नहीं पाया तो। शरीर से मरने की बात नहीं है, मन से मरने की बात है। और मन से जो मर जाता है उसको मीठे शरबत का एहसास होता है। देखिए शरबत कितना स्वादिष्ट होता है। ऐसा शरबत जिसको पीने से मन मर जाए वो कौन है, वो क्या है, जानते हैं? राज्य के प्रेम की डगर पर चलना एक मीठा एहसास होता है। मैं आपको एक लौकिक दृष्टांत से दे देता हूं। राजा रंतिदेव कई दिनों के भूखे थे, अकाल पड़ा था, एक दो दिन नहीं कई दिनों तक। सारा राजपाट अपनी प्रजा को जो भूख से तड़प रही थी उसको खिलाने में खर्च कर देते हैं, खजाना खाली हो जाता है, फिर कहीं से भिक्षा में कुछ अन्न मिलते हैं। राजा रंतिदेव जैसे ही भोजन करने बैठते हैं एक भिक्षुक आ जाता है, हाथ फैला देता है। रंतिदेव स्वयं नहीं खाते हैं, उसको खिला देते हैं। कष्ट तो हुआ होगा लेकिन उनके हृदय को संतोष हुआ होगा। हमारे देश की धरती पर एक शिविर राजा हुए, पौराणिक कहानी है। उनके दान की प्रशंसा सुनकर इंद्र बाज का रूप लेकर आते हैं और चंद्रमा को कबूतर का रूप बना देते हैं। यह कहानी समझने के लिए, बाज जब कबूतर पर आक्रमण करता है तो कबूतर शिव की शरण में आ जाता है, झपट्टा मारना चाहता है। शिव कहते हैं कि देखो बाज यह मेरी शरण में आ गया है, मैं इसको मरने नहीं दूंगा। शिव से कहता है बाज रूपी इंद्र कि यदि तुम इसको बचाना चाहते हो तो मैं भूखा हूं, तुम्हें अपने शरीर का मांस तो देना पड़ेगा। शिव तैयार हो जाते हैं कि तुम्हारी भूख मिटाने के लिए मैं अपने शरीर का मांस दे दूंगा। तराजू के पलड़े पर दोनों बैठ जाते हैं, एक तरफ बाज बैठता है एक तरफ शिव बैठते हैं तलवार लेकर। वो तो मायावी बाज था, साक्षात देवराज इंद्र थे, परीक्षा लेने के लिए आए हैं। पहले शिव अपने पैर काटते हैं, शरीर का एक एक अंश काट करके तराजू पर रखते जाते हैं, लेकिन वह तो नाम ही नहीं ले रहा है बराबर पर होने का। क्योंकि बाज की शर्त है कि कबूतर के वजन के बराबर आपको अपने शरीर का मांस देना पड़ेगा, और शिव अपने शरीर का मांस काट काट कर कभी पैर काटते हैं, हाथ काटते हैं, सीना काटते हैं, उस पर तराजू पर रखते जाते हैं। जब गर्दन काटने की बात आती है तो इंद्र प्रकट हो जाते हैं बाज का रूप धारण छोड़कर और कहते हैं कि शिव इस संसार में तुम्हारे जैसा कोई त्यागी राजा नहीं है। आप सोचिए, राजा शिव जीव सृष्टि के महापुरुष हैं, आपकी तरह ईश्वरी सृष्टि नहीं है, ब्रह्म सृष्टि नहीं है, लेकिन सत्य की रक्षा के लिए, शरणागत की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस काट काट देने के लिए तैयार है। आप तो परमधाम के ब्रह्मपुनि हैं। राज्य खिलवत की सुगंध देने से पहले आपको चार प्रकरणों में केवल यही बात समझाएंगे, केवल मैं खुद ही को छोड़ दो। आपके पास बहुत विद्या है, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, तो विद्वता का अहंकार छोड़ दीजिए कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। आपको जो विद्या दी गई है, ज्ञान दिया गया है, संसार के कल्याण के लिए दिया गया है। आपको जो धन दिया गया है भोग विलास के लिए नहीं दिया गया है, आपको धन दिया गया है मानवता की सेवा के लिए। आप सोचे बैठे हैं कि ये मेरा है, आप किसको देना चाहते हैं? अपने पोते पोतियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए? आपने, आपका तो शरीर भी नहीं है,
एक शरीर का रोआ भी आपका नहीं है, जब पक्षी पिंजरे से उड़ जाएगा तो इस शरीर को जला दिया जाएगा। फिर भी आप सबको सुना सुना कर कहते हैं, आपको पता है ये मेरी कोठी है, ये मेरा परिवार है, यह मेरा धन है, यह मेरा शरीर है। आपका शरीर जब आपका नहीं हुआ तो आपकी धन दौलत आपके साथ कहाँ जा सकती है। लेकिन मनुष्य मर सकता है, लाखों जन्मों में भटक सकता है, किंतु मैं और मेरे का बंधन उसको छोड़ नहीं सकता। मैं आपको एक बहुत सा सरल तरीका बताने जा रहा हूं, राज्य की कृपा से जो कुछ मुझे अनुभूत है, लेकिन इसका पारिश्रमिक देना पड़ेगा आपको। आप जानते हैं आज के युग में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती, तो मैं भी फ्री में क्यों बात बताऊं। मंच पर बतानी पड़ रही है और आपको वचन देना पड़ेगा कि उसका पारिश्रमिक मैं मांगता हूं, मांगूंगा और देना पड़ेगा। तरीका बता देता हूं, और पारिश्रमिक यही है कि जो मैं बता रहा हूं उसका पालन कीजिए। आप निश्चिंत रहिए, राजन स्वामी आपसे व्यक्तिगत हित के लिए एक रुपया नहीं मांगेगा। मैं अपने कफन के लिए भी पैसे नहीं मांगूंगा आपसे। हाँ, समाज के लिए मांग सकता हूं, अपने व्यक्तिगत हित के लिए कोई मजे न देना। देखिए, शरीर से जब आप परे हो जाएंगे तो मैं से परे हो जाएंगे। तीन शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। कारण शरीर में चित्त आता है, चित्त में जन्म जन्मांतरों की वासनाएं हैं, मन में संकल्प विकल्प है, बुद्धि में विवेचना है और अहंग में अहंकार भरा है, अपनी विद्वता का, अपने ज्ञान का, अपने सौंदर्य का, अपने कुल का, अपने रूप का। हिमालय में साधना करने वाला अहंकार रखता है कि मैं हिमालय का योगी हूं, सबको बताता है कि मैंने हिमालय में इतने दिन साधना की है। यदि कोई विनम्रता की मूर्ति बन जाता है, सेवा की मूर्ति बन जाता है, तो ये चाहता है कि संसार उसको विनम्रता की मूर्ति कहे, सेवा की मूर्ति कहे। अंदर कौन बैठा है? अहंकार। एक बीज है, मिट्टी में जब दबा दिया जाता है तो नया पौधा उगता है। जब तक उसका कुछ भी अंश दिख रहा होता है वो अंकुरित नहीं होगा, सड़ जाएगा। इसलिए राज्य को पाना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले आप मुर्दे हुए, तिन दुनी करी मुर्दार, हक तरफ हुए जीवते, उड़ पहुंचे नूर के पार। ये आंखें हैं, दूसरों को देखती हैं, लेकिन बिना दर्पण के सारे स्वयं को नहीं देख सकती। इन आंखों से आप आगे को देखते हैं तो पीछे की तरफ नहीं दिखाई देता। आप परम धाम में थे तो संसार नहीं दिख रहा था, आप संसार में हैं तो परम धाम नहीं दिख रहा है। आप शरीर को देखते हैं तो स्वयं को नहीं देखते हैं। जब स्वयं को देखेंगे तो शरीर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये शरीर तो ये पिंड रूपी शरीर ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है। आपको पिंड और ब्रह्मांड से परे होना है तो पहला कार्य करना होगा आपको कि ऐसे आसन पर बैठिए जिसमें आपको पता ही नहीं चले कि कुछ कष्ट होता है। आप अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार जब आप चितवनी में बैठते हैं तो पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, सरलासन, स्वस्तिकासन, समस्तवासन, ये लगभग 6 आसन हैं। पीठ गर्दन को सीधी रखिए और इस तरह से बैठिए कि आपको जैसे हाथ है तो ऐसा भी ना हो। जब आप स्थिरता करने का अभ्यास कर लेंगे तो क्या होगा? आपका रक्त संचार धीमा धीमा पड़ना शुरू हो जाएगा। एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपको उंगली हिलाने में भी बोझ महसूस होगा, क्योंकि रक्त संचार अब आपका धीमा हो चुका है। और जैसे जैसे रक्त संचार रुकता जाएगा, स्वतः ही आपका मन रुकता जाएगा और एक दिन समाधि तक पहुंच जाएंगे। यह छोटा सा अभ्यास है। दूसरी चीज जो मैं चीजें आज कहने जा रहा हूं, क्योंकि खिलवत का प्रसंग ऐसा पड़ गया, सुंदर साथ को आवश्यकता है। जहां तक मैं सोचता हूं, इन विधाओं को बताने के लिए कोई जल्दी कोई गुरु तैयार नहीं होता, लेकिन मैं तो कोई गुरु हूं ही नहीं। मैं तो राज्य के दुकानदार का दुकान का एक दुकानदार बैठा हूं। राज्य कहते हैं कि इतना माल बांट दो तो मैं बांट देता हूं। मालिक का माल है, मेरा तो कुछ है नहीं, मैं तो एक नौकर ठहरा। देखिए समाधि तक कैसे पहुंचा जाता है।
समाधि में बाधक कौन है? हमारा मन, चित्त के संस्कार। चित्त के संस्कारों के अनुसार मन संकल्प विकल्प करता रहता है और यही समाधि में बाधा होती है। हठयोगी 8 घंटे बैठ लेगा, बिना हिले डुले बैठ लेगा, लेकिन मन तो भाग रहा होता है। इसके लिए आपको अपने हृदय में प्रेम की सुगंधि भरनी पड़ेगी। मौत का शरबत मैं बहुत सरलता से आपको पिलाने जा रहा हूं, क्योंकि आप कितनी भी वाणी पढ़ते रहिए, पहले पीत शरबत मौत का, खटृति के 4 प्रकरणों का बार बार पाठ करते रहिए, मन में बात तो आएगी, लेकिन जब तक जीवन क्रियात्मक नहीं होगा, मैं खुदे के पर्दे को कोई भी नहीं छोड़ सकता। हर कोई जानता है कि हमें प्रेम की डगर पर चलना है। प्रेम की पहली शर्त क्या है? सर्वस्व समर्पण। समर्पण किसको कहते हैं? अपने अस्तित्व को मिटा देना, और कोई अपने अस्तित्व को मिटाना नहीं चाहता। अस्तित्व को जो मिटा देता है वो क्या पाता है? सच्चिदानंद परब्रह्म को पा जाता है। तभी तो कहा है यही, मैं खुदी टले तो बाकी रहे खुदा। मैंने इस चौपाई की कितनी बार व्याख्या की है, मैं प्रसंग पर पूरा आता हूं। समाधि तक पहुंचने का सरल तरीका, जहां तक मैं सोचता हूं, इससे सरल तरीका शायद सृष्टि में नहीं होगा। आप सोते कैसे हैं, कभी आपने सोचा? राज्य की कृपा से आपके जितने शयन कक्ष हैं, चाहे कक्ष के हों या ये पंडाल है, सब में जालियां लगी हैं, कोई मच्छर नहीं काटता है। कदाचित आपको खुले में सोने के लिए दे दिया जाए तो क्या होगा? मच्छर काट काट कर आपको परेशान कर देंगे। थोड़ी सी निद्रा आएगी, पीड़ा होगी, आपका ध्यान उस पर जाएगा, नींद नहीं आएगी। नींद कब आएगी? जब आप थके मादे हों, आपको पता ही नहीं चले। जब मजदूर थका मादा होता है तो बिस्तर पर हो न भी हो, जमीन पर भी निढाल होकर सो जाता है। सोता है, स्वयं को भूल जाता है। आपको भी ऐसे ही कर देना है। समाधि तक पहुंचने के लिए केवल बैठे रहेंगे तो भी समाधि नहीं लगनी है, क्योंकि आपका शरीर तो स्थिर है, मन स्थिर नहीं है। आपके चित्त के संस्कार प्रबल है, पूर्व जन्मों के संस्कार उभरने लगे हैं, और आपके मन में जो संसार है वो सक्रिय हो उठा है, तो समाधि कहाँ लगेगी? संसार से परे हो जाइए, चाहे स्थूल शरीर का संसार हो, सूक्ष्म शरीर का संसार हो, कारण शरीर का संसार हो। स्थूल शरीर जब शांत हो जाएगा तो सूक्ष्म शरीर भी शांत हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर में क्या है? आप 10 इंद्रियां हैं, आंखों से देख नहीं रहे हैं, जीवा से कुछ उच्चारण नहीं कर रहे हैं, हाथ पैर नहीं हिला रहे हैं, 10 इंद्रियों पर आपका नियंत्रण हो गया तो वह सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आ गया। लेकिन जो कारण शरीर में जन्म मृत्यु का कारण बना हुआ है, चित्त में वासनाएं बनी है, वह आपके मन को उद्वेलित कर रही है, तब भी आप समाधि तक नहीं पहुंच पाएंगे। नींद आने के लिए चिंता रहित होना जरूरी है, शरीर को पीड़ा से रहित होना जरूरी है, और नींद आपको तभी आएगी जब हिलना डुलना बंद कर देंगे, चाहे वो थकान के कारण हिलना डुलना बंद हो या आराम के कारण। कठोर जमीन पर आपको सुला दिया जाए तो चुभती रहेगी आपको नींद, तब भी नहीं आएगी। जैसे आपने निद्रा में प्रवेश किया वैसे ही आपको समाधि में प्रवेश करना है। सरल सा नुस्खा है, जैसे मेरे और आपके बीच में एक पर्दा कर दिया जाए, ना मैं आपको देख पाऊंगा ना आप मुझे देख पाएंगे। हमें मूल स्वरूप क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि हमारी नजर मूल स्वरूप की तरफ है ही नहीं। आंखें तो उधर हैं, दिल जो है संसार की तरफ है। उसी तरह से हमारा शरीर है, हम वाणी पढ़ते हैं, रहस्यमा बोलते भी हैं, लेकिन दिल हमारा संसार में है। करना क्या है? संसार से परे हो जाना है। समाधि के लिए पहली प्राथमिक आवश्यकता है शरीर को स्थिर करना। स्थूल शरीर के स्थित होते ही सूक्ष्म शरीर स्थित होने लगता है। जब यह प्रक्रिया बढ़ती है, राज्य के नख से सिख तक की शोभा में जब आप स्वयं को डुबोने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है? संस्कार संसार के समाप्त होने लगते हैं और राज्य के प्रेम का संस्कार प्रकट होने लगता है। जब राज्य के प्रेम के संस्कार की बढ़ोतरी हो जाएगी तो क्या होगा?
आपको समाधि की प्राप्ति होने लगती है। मैं आपको कैसे दृष्टांत से समझाऊं, जब आप वाणी पढ़ने लगते हैं, चितवनी करने लगते हैं, तो संसार के विषय हावी हो जाते हैं। पिक्चर हॉल में आप जाते हैं तो कभी संसार की याद नहीं आती, केवल पिक्चर का दृश्य दिखाई देता रहता है। उसी तरह से क्योंकि आपका मन पिक्चर के दृश्यों में खो चुका होता है, आपका मन संसार में खोया हुआ है, इसलिए संसार की ही याद बनी रहती है। अब आप उसको प्रेरित कर दीजिए कि रे मन तू संसार को भूल जाए, मैं तुझे जो दिखाना चाहता हूँ तू उसको देख, मुझे देखना है प्राणेश्वर को, तू मेरे और धनी के बीच में रोड़ा क्यों बन रहा है, तू अपना काम बंद कर दे। परिणाम क्या होगा, जैसे आप सोने जाते हैं मन में कोई बात लेकर सोचते रहेंगे तो भी नींद नहीं आएगी। अब आपको जैसे निद्रा में क्या होता है, तमोगुण की अवस्था होती है, और समाधि में सत्व रज तम से परे की अवस्था होती है। निद्रा में जीव भूला होता है, समाधि में आत्मा राज्य के प्रेम में भूली होती है, स्वयं को भूल जाती है मारिफत की अवस्था में। जैसे आधी निद्रा होती है आधी जागृति होती है तो स्वप्न होता है, मन संसार को देख रहा होता है। उसी तरह से जब आप चितवनी कर रहे होते हैं तो कभी राज्य की शोभा आती है कभी चली जाती है, तो आप स्वप्न देखने जैसी अवस्था में विचरण कर रहे होते हैं। कभी आपको आभास होता है कि हम चितवनी कर रहे हैं, हमारी खुजलाहट हो रही है, कभी खुजला भी लेते हैं, कभी लगता है कि कोई आ भी रहा है, ये सपना देखने जैसी अवस्था है। तो आपको स्वप्न को भी छोड़ना है, जैसे गहरी निद्रा में प्रवेश करना है कि स्वयं को भूल जाएं, उसी तरह से चितवनी में प्रवेश करना है कि कैसे हम संसार को भुला दें। और इसके लिए प्रेम का मार्ग होता है, मैंने सरल से सरल तरीका बताया, जैसे निद्रा में प्रवेश करते हैं उसी तरह से समाधि में प्रवेश करना है। समाधि का अर्थ ये दुनिया वाले जो समाधि लगाते हैं वो नहीं कि गड्ढा खोद लिया, आजकल तो व्यापार बन गया है, लोग नशे की वस्तुओं को खा करके गड्ढे में पड़ जाते हैं, ऊपर मिट्टी से ढका देते हैं और कहते हैं कि हम 4 दिन समाधि में रहे और माया में पूरी तरह से लिप्त रहते हैं, वो तो हठयोग की क्रिया है, उसको समाधि नहीं कहते हैं। समाधि का अर्थ क्या है, धारणा ध्यान का परिपक्व होना, राज्य श्यामा जी के नख से सिख तक की शोभा यदि लगातार 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बनी रहे, कुछ और न मन में बात आए तो उसको समाधि कहते हैं। उस अवस्था तक पहुंचने के लिए आपको कभी आहार की शुद्धि करनी पड़ती है कि मन की चंचलता घटे, क्योंकि यदि आपके अंदर तमोगुण ने प्रवेश कर लिया तो आप समाधि तक प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सुंदर साथ में आहार की तामसिकता इतनी है, हमारे अच्छे अच्छे स्थानों में, अच्छे अच्छे मंदिरों और आश्रमों में भी बहुत उत्तेजक भोजन खाने को मिलता है। मैं नाम क्या लूँ, हमारे प्रसिद्ध स्थानों में तो इस सब्जी में इतनी मिर्च पड़ी होती है कि लाल 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 ही नजर आता है। एक कहावत कही जाती है कि मुझे याद नहीं आ रही गुजराती में, जिसने सूरत का भोजन नहीं किया उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि वहाँ का भोजन चटपटा होता है और वहाँ के मंदिर में भी वैसे चटपटा खाने को मिलता है। उस भोजन को खाकर तो कोई 100 साल में भी समाधि नहीं ला पा गए। पहली जो प्राथमिकता है कि आपका मन भागे नहीं, शरीर हिले डुले नहीं, और मैं आपसे परिश्रमिक के रूप में यही मांगता हूँ, कोई भी योगाचार्य होता है फीस लेता है, मैं आपसे फीस के रूप में यही मांगता हूँ, जब आप चितवनी करने बैठिए तो शरीर को स्थिर करके बैठिए, शरीर से परे होने का प्रयास कीजिए, मन से परे होने का प्रयास कीजिए, अपनी परात्म का श्रृंगार सजिए। यदि आप अपने परात्म के भाव में डूबते हैं तो संसार अपने आप भूलने लगेगा आपको, और धीरे धीरे एक अवस्था ऐसी आ जाएगी आप सरलता से उस समाधि में पहुंच जाएंगे जब आपकी आत्मा को ये शरीर नहीं दिख रहा होगा, ये संसार नहीं दिख रहा होगा, केवल राज्य दिख रहे होंगे। अन्यथा ऐसे तो आप सोचते रहेंगे कि मैं खुद ही छोड़ना चाहता हूँ, मुझसे छूटती नहीं, कैसे छूटेगी। काजल की कोठरी में कैसे होशियानो जाओ, एक लिख काजल की लागी है पे लागी है। मैं आपको एक दृष्टांत से देता हूँ, यदि आप कितने भी चितवनी करें,
आपने कोठी बनाई है, तो जब आप उसमें रहने जाएंगे तो कोठी तो दिखाई देगी। आप झोपड़ी बनाकर वन में रहते हैं तो कहेंगे कि मैं झोपड़ी में रह रहा हूँ। आप कोठी में रहते हैं तो कोठी तो दिखाई देगी। आपका शरीर बहुत सुंदर है तो लगेगा तो कि मेरा शरीर है। आपको ये समझना है कि मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो परात्मा हूँ, ये संसार है ही नहीं, मैं इस संसार से परे मूल मिलाव में बैठी हूँ। जब तक ये भाव नहीं पैदा होगा तब तक आपकी सुरता कहाँ से जाएगी। इसलिए इसको प्रयास करना है। केवल विचारों के द्वारा जाना तो जा सकता है। जैसे मैंने गुलाब जामुन खाई नहीं है, उसके बारे में पढ़ लिया है कि क्या क्या मिलाने से गुलाब जामुन बनती है, इसका स्वाद क्या होता है, मैं उसकी व्याख्या कर सकता हूँ। चखने वाला तो बताएगा कि वास्तविक रूप से इसका क्या स्वाद होता है। उसी तरह से जब आप क्रियाशीलता में को अपने जीवन में स्थान देंगे, जैसा मैं कह रहा हूँ उस तरह से बैठने का प्रयास कीजिए, एक क्षण आएगा जब आपकी अंतर्दृष्टि खुलती जाएगी और बिना प्रयास किए मैं खुदी का बंधन अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्योंकि राज्य का दीदार तब तक नहीं हो सकता जब तक मैं खुदी का पर्दा नहीं हटता। बड़े बड़े योगी होते हैं जो कैवल्य की अवस्था में भ्रमण करते हैं, उन्हीं के लिए राज्य ने कहा है, आगम भाको मन की परखो सूझे चौदह भवन, मृतक को जीवित करो पर घर की न होए गम। आप किसी मरे हुए को जिंदा कर दीजिए, देखिए संसार आपके चरणों में लोटपोट हो जाएगा। अभी आजकल देख रहे होंगे ना, बागेश्वर बाबा ने थोड़ा सा चमत्कार दिखा दिया है, बेचारे ने, जनता पीछे पड़ी है, 10-10 लाख की भीड़ इकट्ठी होती है क्योंकि जनता को तो चमत्कार चाहिए। दुनिया आपको जय जयकारे लगाएगी, योगी राज आप कहे जाएंगे, आपकी चरण धूलि लेने के लिए दुनिया तरसेगी, लेकिन आपको खुद अपने स्वरूप का पता नहीं रहेगा, मूल अपने प्रीतम का पता नहीं रहेगा। अध्यात्म कहता है यदि परम तत्व को पाना है तो इन सब सारे बंधनों से परे होना पड़ेगा। क्योंकि यदि आपने संसार में प्रतिष्ठा को ही एक बंधन बना लिया तो सबसे बड़ा पर्दा होगा। सारे बंधनों को आप तोड़ सकते हैं लेकिन मैं का यदि बंधन आ गया तो प्रीतम से मिलन नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रेम की कसौटी है स्वयं के अस्तित्व को डुबो दो, और यही तो नहीं हो सकता। जागने लीला में ये कार्य किया केवल इंद्रावती जी की आत्मा ने। इसलिए इंद्रावती जी क्या कहती हैं और हमको भी एक सरल तरीका बता दिया, पोपट करो नीलडे पांख, खटते की तरफ मैं आपको ले चलता हूं, प्रेम तड़ा पाजरा मैं खा लूं, हूं थो साख ने द्राक। राजी ऐसा क्या नहीं हो सकता कि आपको मैं नीले पंखों वाला तोता बना दूं, प्रेम के पिजरे में आपको रख लूं और स्वयं को मीठा अंगूर बना लूं ताकि आप मुझे खा सको। यह है मैं खुद के पर्दे को सरलता से तोड़ना, स्वयं को अंगूर बना देना, राज्य को नीले पंखों वाला तोता बना देना, हरे पंखों वाला। गुजराती में नीला का अर्थ हरा होता है, हरे पंखों वाला तोता बना लेना। पिंजरे में क्यों रहने की बात कही है कि राज्य मुझे खाना छोड़कर कहीं और ना चले जाए। एकनिष्ठ प्रेम एकनिष्ठ होता है, राज्य निरंतर मुझ अंगूर को खाते रहे, यह है। शब्दों पर न जाइए, भाव में जाइए। इंद्रावती जी के कहने का से क्या है, स्वयं के अस्तित्व को समाप्त कर दीजिए। आपका तन किसके लिए है, राज्य के लिए, आपका मन राज्य के लिए, आपका धन राज्य के लिए नहीं, मन भी नहीं, मन पति के लिए या पत्नी के लिए, धन बाल बच्चों के लिए, पोते पोतियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। हम कितना भी कह ले मोह का बंधन बना ही रहता है। इसलिए मैं जबरन आपसे त्याग नहीं करवाना चाहता, मैं जबरन नहीं कहूंगा कि राज्य की सेवा कीजिए, मैं जबरन नहीं कहूंगा कि आप अपना कुछ त्याग कीजिए, लेकिन जो मेरा पारिश्रमिक है केवल वह दे दीजिए कि जब चितनी में बैठिए
तो अपनी उंगली भी ना हिलाइए, कहीं खुजलाइए भी नहीं। धीरे धीरे राज जी आपको उस अवस्था में स्वतः पहुंचा देंगे, अपने आप आपकी समाधि लगने लगेगी, अपने आप आपकी सुरता 25 पक्षों में घूमने लगेगी। शर्त केवल एक है, आपको उत्तेजक आहार से दूर रहना पड़ेगा, अश्लील चिंतन से दूर रहना पड़ेगा, और जो कुछ जो सामान्य मानवीय आवश्यकताएं होती हैं जो एक शिष्ट व्यक्ति में आवश्यक है उससे दूर रहना पड़ेगा, तो आप उस मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि आप जो मैंने कहा उसका पालन करेंगे, तो यदि पालन नहीं करेंगे तो आप सोचिए, सतगुरु धनी सुखदेव चंद जी अपने सगे बेटे को यह नहीं बता सके कि मूल मिलावे में कौन रहता है, अक्षरातीत कौन है। जब सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान अक्षरातीत श्री जी बिहारी जी को नहीं सुधार पाए, क्योंकि यहां भी प्रकृति की मर्यादा है, अक्षरातीत अपनी शक्ति के प्रदर्शन करने के लिए संसार में नहीं आए हैं। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत से दूं, वैसे मैं समझने के लिए आपको बता रहा हूं, आप ये मत समझिएगा कि मंच पर कोई राजनीतिक व्यक्तित्व की चर्चा हो रही है। मोदी जी जब अपनी माता से मिलने के लिए जाते हैं थे, तो उनकी माँ 11 रुपया देती, और उस 11 रुपये को मोदी जी ने माँ का आशीर्वाद समझकर कितने प्रेम से रखा। यदि वो फटकार देते, मैं प्रधानमंत्री हूँ तुम मुझे 11 रुपया दे रहे हो, तो माँ के हृदय की ममता को कितना आघात होता। योगी के मोदी के लिए वो 11 रुपये 11 करोड़ से ज्यादा मूल्यवान है। पैसे का महत्व तो नहीं है, महत्व तो है भावना का। यदि आप मैं खुदी के पर्दे को तोड़ना चाहते हैं तो अपने अस्तित्व को मिटा दीजिए कि मेरा सब कुछ राज्य का है, मेरा तन मेरा रोम रोम। इंद्रावती ने तो यही कहा है कि मैं स्वयं को अंगूर मीठा अंगूर बना देती हूँ और राज्य तुम मुझे खा लो। मुझे खा लो का तात्पर्य अपने प्रेम में मुझे विलीन कर लो, यही प्रेम की कसौटी होती है। पति और पत्नी में अहंग टकराता है तो तलाक की नौबत आती है। दोनों ने अपने अहंग को भी छोड़ दिया है। जो असुर होते हैं वो क्या सोचते हैं कि पहले मैं, वे स्वयं खाना चाहते हैं। देवता होते हैं वो क्या सोचते हैं, पहले तुम खाओ, क्योंकि वो सतोगुणी होते हैं। आपको सतोगुण से भी परे त्रिगुणातीत अवस्था में चलना है तो आप केवल यही याद रखिए, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रिया नहीं हूँ, अंतःकरण नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है। जब इन भावों में भावित होकर केवल परात्म का श्रृंगार सजेंगे, जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परात्म, सो परात्म संग लेके विलसिए संकसम। परात्म का श्रृंगार सजेंगे तो क्या होगा, आप परात्म के भाव में विचरण करेंगे। जब आपको शरीर ही दिखता रहेगा कि मैं बुढ़ा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं काला कलूटा हूँ, मैं ठिगना हूँ, अरे शरीर को क्यों देख रहे हैं, अपनी परात्म को देखिए, अपने भावों को उच्च बनाइए, स्वयं को राज्य के प्रेम में डुबो दीजिए। देखिए महाभारत के कालीन और रामायण के युग में क्या अंतर है। पांचों पांडवों को वनवास हो जाता है, द्रौपदी को कई बार गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि उस समय तक त्याग और समर्पण की भावना त्रेता जैसी नहीं थी। द्रौपदी कह देती है, कई बार उलाहना भी दे देती है कि आपकी गलती से धर्मराज हमें बन बन में भटकना फिर रहा है। सीता ने कभी राम को उलाहना नहीं दिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम, आपको इतने पिता की आज्ञा का पालन करने की क्या हो सकता है। अब देखिए वो त्रेता युग है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, बस्ती में न जाने का प्रण किया है, तो नंगे पांव चलते हैं। अयोध्या से चलकर रामेश्वरम तक पहुंचते हैं, नंगे पांव पहुंचते हैं, कांटे भी चुभते हैं, सीता के पैरों में कांटा चुभता है, कहीं पेड़ों की छाया के नीचे गुजारा है, कहीं झोपड़ी में गुजारा है होता है। आप सुंदर सा तो कक्षों में पंखों के नीचे हैं तो भी क्या कहते हैं, बिना एसी के गुजारा नहीं हो सकता। आपका जीवन एसी में बीत जाएगा, संसार आपको याद नहीं करेगा।
लेकिन सीता को संसार याद करता है क्योंकि उसने पतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए, सत्य का पालन करने के लिए अपने नंगे पैरों से चल करके वो बन बन में भटकती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम नंगे पैर चलते हैं। सीता ने राम के प्रेम में स्वयं के अस्तित्व को मिटाया हुआ है। राम ने पिता के आदर्शों की रक्षा करने के लिए स्वयं के अस्तित्व को मिटाया हुआ है। यदि संसार के महापुरुष इतना कर सकते हैं तो क्या आप इतना नहीं कर सकते जो मैंने तरीका बताया है? जब शरीर को परे, शरीर से परे होना है, आप इस तरह से शरीर को भूल जाइए, इसको कहते हैं जो पहले आप मुड़ते हुए। जब शरीर की याद नहीं है तो शरीर से आप मर चुके, संसार की याद नहीं है तो संसार से मर चुके। राजी तो यही करना चाहते हैं, आपके स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में, जहाँ भी प्रकृति का वास है उससे परे हो जाइए। इसी को कहते हैं तमस से परे होना, और इसके हुए बिना आप राज्य का दीदार नहीं कर सकते हैं। भले ही 100 साल तक आप चितवनी में बैठे रहिए, लेकिन जब तक आप शरीर से परे नहीं होंगे, संसार से परे नहीं होंगे, आपकी सुरता राज्य को नहीं देख पाएगी। प्रेम की रसधारा भी तभी आपके अंदर बहेगी जब त्रिगुणातीत अवस्था में आप जाने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैंने आपको एक सरलतम मार्ग बता दिया, और इसका परिश्रम भी मांगा है मैंने कि आपको इसी तरीके से चितवनी में प्रयास करना होगा, फिर देखिए लक्ष्य आपके सामने रहेगा। महामती जी की आत्मा यही कह रही है, एही पट आड़े तरे तेरे और जरा भी ना तो सुख जीवित अरस का लेवे ख्वाब के माँ। मेरी आत्मा तेरे और धनी के बीच में, यह मैं खुदी का जो पर्दा है, यह पर्दा ही तो तुझे धनी से मिलने नहीं दे रहा है। इस पर्दे को हटाने के लिए तो मैं तुझे बार बार प्रबोधित कर रहा हूं कि यदि तूने इस मैं के पर्दे को हटा लिया, यह मैं का पर्दा कब हटेगा? जब आप शरीर और संसार से परे हो जाते हैं। इस संसार में आप देखिए राज्य कब मिलते हैं, कभी आपने सोचा है? मिहिराज को कब मिले थे? जब चारों तरफ से आरोप लगता है। जब श्री देवचंद जी प्रणाम नहीं स्वीकार करते हैं तो मिहिराज व्यथित हो जाते हैं, विरह में तड़पते हैं। लेकिन जब यह आरोप लग जाता है कि दीवान का भी धन मिहिराज ने हड़प लिया है और उनको नजरबंद कर दिया जाता है, तो वह पीड़ा और भयंकर रूप ले लेती है, और यही पीड़ा उनको राज्य के दीदार के योग्य बना देती है। तभी तो कहा है, फिर बैठे माहे आसन कर श्री महामत हृदय अपंग, आपका हृदय संसार से टूट जाए। और इस जब टूट जाता है तो मैं खुद ही कहाँ रहेगी? आपके पास करोड़ रुपए रहेंगे तो सबको दिखाते फिरेंगे, आपको पता है मैं करोड़पति हूँ, आपका बहुत सुंदर बंगला है तो आपको लगेगा कि मेरा तो सुंदर बंगला है। इसलिए एक फकीर की परिभाषा क्या होती है, चाँ आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक, पत्तों को चुन चुन कर झोपड़ा भी बनाया था फिर जला दिया कि बंधन का कारण बन रहा है। चाह नहीं चिंता नहीं मनवा बेपरवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए सोई सांसा। लेकिन मैं आपको वह मार्ग बताता हूं कि आप सोने के महल में भी रहेंगे तो सोने का के 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 तो सोने का
Sonic, get the 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 Sonic, get the